हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ अंजवासिनी। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आज मेरे सबसे प्यारे बेटे कुणाल का जन्मदिन है। आज वो पूरे 1 साल का हो गया। मुझे याद है पिछले साल मैं बहुत खुशी खुशी उससे मिलने गई थी। बहुत सारे उसके लिए गिफ्ट लेने के मन थे, लेकिन कोई था पनौती जिसकी वजह से मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई थी। हाँ, लेकिन उसने उस चीज़ का भोगा था। उस दिन हमने बहुत बड़ी पार्टी की थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। उसका जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोई टेंशन नहीं, बस इतनी बात है कि कल है अमावस्या। आज भी आप चाहो तो आज ही पूजा शुरू करा सकते हो। बहुत सारे लोग बहुत आईनी अमलियत, तो मैं बताऊंगी कि आईनी अमलियत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी शक्ति होती है जो शक्तियां हम तावीज़ के रूप में लोगों को सिद्धि करके देते हो। तावीज़ के रूप में सिद्धि करने के बाद एक छोटा सा मंत्र बता दें, उसमें एक थाली में एक साफ थाली होती है, एक प्लेट आती है लिखी हुई भगवान की, सूरह यासीन की एक प्लेट आती है और एक कटोरा जैसा आता है, उसमें पानी भर के हम कुछ तरीका बताएंगे गुप्त में। वो तरीका करने पर आप सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, कैसा है, सब आप उसमें देख सकते हैं। कौन सा दुश्मन कहाँ है, क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, ज़्यादा करके बहुत सारे जनों ने लिया है कि हमें पता चल सके। तो आज भी आप शुरू कराएंगे तो कल अमावस्या के दिन पूरी हो के बुधवार तक ही आपको शक्ति हवा रूप में ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब आपके एड्रेस पे कुरियर कर दी जाएगी। और भी कोई शक्तियाँ लेनी है तो ले सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, अभी आपका कैशो नहीं आया, तो आप सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। हम 72 घंटे में ही दे रहे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे। कोई भी शक्ति, और मैं अभी भी बोलती हूँ, कोई भी पावरफुल या हैवी शक्ति लेने पे आज भी वही बात है कि हम लोगों को, कितने लोगों को, देखो पहले मैंने जैसे बताया था 20-25 लाख का फ़ायदा, नहीं तो गाड़ी या घर, समझो कोई बहुत बड़ी शक्ति ले रहा है 2.5 से 3 लाख रुपए तक की जो शक्ति ले रहा है उसको घर का भी ऑफर है। मैं ऐसा झूठ बात नहीं करती हूँ, जो है वो सच है, मुझे डर भी नहीं इस बात को बोलने में। जो हम दे रहे सो दे रहे। तो कल अमावस्या है, आज से भी आप नाम लिखा सकते हो। अभी कल अचानक फ़ोन करो तो कल काम नहीं होगा, आपको करना है तो आज ही कीजिए। आज से भी आप शक्तियों का पूजा चालू करा सकते हो। आईनी अमलियत ये कोई गुरु ही आपको सिद्धि करके दे सकता है, आप खुद ये चीज़ नहीं कर सकते। और लगाइए अगरबत्ती सिगरेट आज रात को भी, कल के लिए मैंने बताया है, नारियल वारियल कीजिए। और जितनी हो सके, देखो आपके अंदर भी ताकत है, आप शक्तियाँ, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे ना, दे लिए डर जाओगे, बहुत से लोग डर जाते हैं। लेकिन जो मैंने फ्री में शक्तियाँ दी है वो शक्तियाँ भी कल अमावस्या का खाना देने के बाद परसों सबको मिल जाएगी। जो मैंने कल की बात कही थी, कल रोका है सबका काम, क्योंकि कल अमावस्या है, कल का अमावस्या पूरा करके परसों सबको चीज़ें मिल जाएगी। आईनी अमलत, आईनी अमलियत हो गई, जब्बार जीन हो गया, फिर वीर पहलवान, पहलवान वीर जीन हो गए, सब बहुत, सब बहुत अपने आप में पावरफुल है। जो काम ये कर सकते शायद ही कोई कर सकता है, कोई नहीं कर पाएगा ये काम। बहुत चीज़ें होती जो हम करके दिखा रहे हैं, इन शक्तियों के ज़रिए करके दिखा रहे हैं। तो आप चाहो तो आज चालू करा सकते हो, क्योंकि आज खुशी का भी दिन है और ये सारी चीज़ें बहुत कम मिलती है। तो अगर आपको लगे तो आप आज से ही नाम लिखा के चालू करा लीजिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं अभी ऑफ़र दे रही हूँ, जो भी दे रही हूँ, बाद में नहीं है। फिर होली में होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं शायद 2 महीना यात्रा पे रहूँगी, तो शायद शक्तियों का काम नहीं लूँगी। फिर यात्रा पे जरा केशों के साथ काम करती रहूँगी। और अभी भी केशों के आगमन की तैयारी कीजिए, केशों के लिए अगरबत्ती सिगरेट, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति तो ये पैदा होने वाली। मैं मजाक नहीं कर रही, ये अपने आप में एक मैजिक बॉय पैदा हो रहा है, ये पेट से ही बहुत सीख के आ रहा है। आपको नहीं पता है, कोई इसके बारे में बुरा बोलता है ना वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, ये मैंने प्रूफ देखा है। जो इसके लिए अच्छा बोल रहा है उसके लिए फ़ायदा करा दे रहा है। अगर जो इसको मन में अच्छा है बोलता है ना, अच्छा नाम लीजिए, देखिए आपको 24 घंटे में फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। और जो इसके लिए बुरा सोचता है वो उसकी बैंड बजा देता है। ये मैंने खुद से वो किया है, महसूस किया है। बहुत जल्द आने वाला है, बहुत से दुश्मन लगे हैं मुझे व्हाट्सअप पे, इस पे सब पे पूछते रहते हैं, क्या दीदी आ गया केशव, आ गया केशव। अरे केशव आएगा, अपने तरीके से आएगा। वो ऐसे बाप की औलाद है ना, जब उसका बाप ही हर काम बेगर बोले करता है तो बेटा भी तो वैसे ही है ना, बेटा बाप पे ही जाएगा ना। तो बाप ही इतना जिद्दी है, जो उसकी मर्जी होती वही करता है। अगर उसको, अगर आप कोई चीज़ ना बोलो तो फिर वो काम वो जरूर करेगा, और आप उसको कोई काम बोलो तो वो नहीं करेगा। वैसे ही ये उसका बेटा है, इसको जब आना है ये अचानक से एंट्री करेगा, और एंट्री करके क्या बोलेगा, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसा हाल होने वाला है। तो डोंट वेरी, टेंशन मत लीजिए, केशव एकदम धूम धड़ाके से आएगा, और ऐसा धमाके से आएगा ना कि आप सब लोग चारों खाने चित, मतलब सब सोच में पड़ जाएंगे। अभी तो वो दुश्मनों की चालाकी देख रहा है कि कौन उसके बारे में क्या कर सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर, और बहुत अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि मैजिक वो है, मैजिक के तरीके से आएगा। जिस दिन आएगा, जब लोगों को पता चलेगा, तो कुछ लोग, बहुत से लोग तो खुश होंगे, और कुछ लोगों को लगेगा ज़ोर से झटका। और जब ज़ोर से झटका लगेगा ना तो हॉस्पिटल तो खुले ही हैं, एडमिट हो जाएंगे, टेंशन मत लो, बिल हम भर देंगे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ अंजवासिनी।